चलो तो डबल एंगल निकालना है, कॉस टू थीटा निकालना है, टू कॉस का थीटा माइनस वन, वहां पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दे, वहां पे एंगल वो अपने को क्वाड्रेंट वगैरह कुछ दिखना ही नहीं है क्योंकि वहां पे प्लस माइनस आ ही नहीं रहा। ठीक, अगेन जहां पे आंसर एक से ज्यादा प्लस माइनस आ रहा है, स्क्वायर रूट वगैरह करना पड़ रहा है, वहां पे देखना है अपने को कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा एक्सेप्ट करना, कौन सा रिजेक्ट करना है। लेकिन जहां पे आ ही नहीं रहा वहां पे हम कुछ नहीं देखेंगे, बस एज इट इज जो आंसर आया। ठीक है ना। अच्छा सेकेंड, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय टू से पाई। यार ये इस क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा 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 नहीं 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 ये बेसिकली कॉस ऑफ ये है, ये है। मतलब ये जो चीज है ये पूरी की पूरी कॉस के अंदर इनपुट जा रही है, और वो चीज फिर फाइनली साइन इनवर्स के अंदर इनपुट जा रही है। ठीक है। और जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब एक्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, याद करो ये वाला रूल लगेगा। ये क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस पाई। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या होता है, ये दैट इज वाई इक्वल टू एक्स, तो ये तो एक्स ही आ जाएगा, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कटा, तो ये आ जाएगा कॉस पाई। कॉस पाई क्या होता है, माइनस वन, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन इज माइनस पाई बाय टू। डन, क्लियर हुआ? ठीक है, और बोलो। फोर्थ, एक्स नेगेटिव है ना, लिख रखा है ना, तो रेसिप्रोकल का रूल हमने देखा हुआ है नेगेटिव के लिए। हाँ, तो उसके अंदर क्या हो गया इसमें, फिर ठीक है ये है। तो एक्स भैया अगर नेगेटिव है तो इसके अंदर अगर मैंने सिर्फ कोट इनवर्स ऑफ एक्स लिखा तो एक्स नेगेटिव होने पे चलिए चेहरे ले आए ऑफिस और आराम से तूफान मेल, आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ जी, तो अगर मैंने x को नेगेटिव लिया राइट, तो इसका आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस पाई बाय टू से जीरो। तो इसको यहां पे लाने के लिए या इसकी जगह ये लाने के लिए राइट, मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साथ में माइनस पाई राइट। ये आ गया टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये क्या बन गया पाई बाय टू माइनस पाई माइनस पाई, तो इसका आंसर माइनस पाई बाय टू। और बोलो। यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू पॉजिटिव फर्स्ट ना। हाँ जी, हाँ कुछ भी डालो। हाँ देखो, एक ना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सुनो, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना प्लीज भैया इधर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आंसर एक बार ना कंफर्म कर लिया करो, रुक जा सुन ले पहले। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर चारों ऑप्शन देख लिया करो, क्या एक्स पे डिपेंडेंट है या नहीं। अब चारों ऑप्शन में आंसर एक्स नहीं है, कॉन्स्टेंट है, मतलब जो एक्स नेगेटिव डालोगे आंसर सेम आएगा, माइनस वन डाल दो वही आंसर होगा, समझो इन चीजों को। ठीक है, और बोलो। सिक्स, तो टेन इनवर्स ऑफ ए बाय बी प्लस सी प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी बाय सी प्लस ए, एंड इफ एंगल सी इज 90 डिग्री
तो इस पूरी चीज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। साथ में ए प्लस बी, बी बी प्लस सी भी 90 डिग्री आ गया, सॉरी बी प्लस ए भी 90 डिग्री आ गया, राइट। अब देखते हैं पहले इसके अंदर ना कमाई, क्योंकि देखो ए बी सी तो साइड्स हैं, तो भैया ये तो पॉजिटिव ही होगी क्वांटिटी। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो एक चीज, है ना, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ए बाय बी प्लस सी प्लस बी बाय ओवर वन माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी सी प्लस ए। तो क्या आ गया, एलसीएम लेके ये इधर और इन दोनों का प्रोडक्ट इधर और ये कटेगा, तो टेन इनवर्स ऑफ ए सी प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, माइनस ए बी। तो माइनस ए बी कट के ये आ गया, तो क्या बचेगा नीचे, सी कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां पे बेसिकली ऐसा आ रहा है ना, अगर ये एंगल सी 90 डिग्री है तो ये सी हो गया, ये ए ले लो, ये बी ले लो, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा सी स्क्वायर। तो बेसिकली अब ये पूरा का पूरा नीचे पूरे के साथ कटेगा, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वन, तो आ गया फाइव बाय फोर। और बोलो, हाँ जी, सेवन, वो एक बार चेक कर लो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन आ रहा है या क्या आ रहा है, साइड्स है ना उसके अकॉर्डिंग, वैसे भी नीचे ज्यादा बड़ा आ रहा है, इसके अंदर वैसे कुछ ऐसे बोल नहीं सकते, ये रूल लगाने के बाद ही आगे देखा जाएगा कि आगे अंदर चीज नेगेटिव आ रही है नहीं आ रही। अब ये जो चीज आ रूल क्या है, दो पॉजिटिव के ऊपर लगाने के बाद नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रूल यही है ना, याद है ना, शॉर्टकट ये बताया हुआ है, दो पॉजिटिव पे टेन इनवर्स लगाने के बाद अगर नेगेटिव आए तो वाला वो वाला रूल चेंज होता है, यहाँ पे तो लगाने के बाद ये पॉजिटिव ही आ रही क्वांटिटी, ये सारी साइड्स ही हैं, कुछ नेगेटिव बचा ही नहीं तो पॉजिटिव ही है, तो फिर रूल नहीं लगेगा, फिर ये लगेगा, ऐसे देख लिया करो। अच्छा, टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स दैट इज इक्वल टू पाई बाय फोर, तो एक्स क्या होगा, तो भैया सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे इसको भूल पाई बाय 45, पहले इससे पहले सबसे पहले ये चीज देखो जरा, राइट। अब इसके अंदर वन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स को क्या पुट करोगे, ए टेन थीटा, ए क्या है वन, तो सिंपली क्या पुट करोगे, टेन थीटा, पक्का। तो एक्स को मैंने पुट किया तो एक्स को, मैं इसको कोई बात नहीं वो भी ठीक है, मैं इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो अपना स्टैंडर्ड रूल है मैं तो वो लगा रहा हूँ, तो आ जाएगा इधर सीकेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट सीकेंट थीटा माइनस वन बाय टेन थीटा, तो सीकेंट थीटा बाय टेन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू बाय टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, ये वन वन कटा टू टू कटा साइन थीटा बाय टू कटा, तो आ गया तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाय टू थीटा बाय टू, तो थीटा बाय टू कितना आ रहा है पाई बाय 45 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 2 इंटू पाई बाय 45, और पाई कितना होता है 180, ये कटेगा 4 पे तो आ गया 8 डिग्री। और बोलो, नहीं वो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अज्यूम करके जा रहे हैं, मतलब एक्स को पॉजिटिव लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं, क्या चेंज करें इसकी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये देख ना, वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उनका, तो अंडर रूट में है ना, तो अब ये पहले तो ये देख कि वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होना चाहिए इसको वैलिड होने के लिए, तो वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा माइनस वन प्लस वन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और अपने को क्या चाहिए पॉजिटिव
तो क्या आ जाएगा माइनस वन टू वन, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस वन टू वन है, मतलब एक्स को एक ऐसी चीज पुट कर सकते हैं जो माइनस वन टू वन है, इसलिए इसको साइन या कॉस पुट करते हैं ना, प्रेफर करते हैं साइन, ठीक है ना। चलो अगला, अभी वो रुक जा तू, हो गया हाँ, और बोलो एट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है, तो क्या करोगे सबसे पहले, तो देखो दो तरीके हैं इसको हैंडल करने के, एक कि वन प्लस साइन एक्स को तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, ये वन को लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, तो ये बन जाएगा साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली अगर इधर माइनस होगा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जो भी बन जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो लेकिन माइनस किसका आएगा, साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू या कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, क्योंकि ए माइनस बी का स्क्वायर और बी माइनस ए का स्क्वायर दोनों क्या होते हैं, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्या आएगा, एक्चुअली में यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट हो रहा है, और अंडर रूट स्क्वायर के साथ जब हटेगा तो क्या आएगा मॉड, तो मॉड के अंदर तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने a माइनस बी लिखा है b माइनस, क्योंकि a माइनस बी का मोड और b माइनस ए का मोड दोनों क्या होते हैं सेम, तो साइन x बाय टू माइनस कोस x बाय टू का स्क्वायर, अब वो वैल्यूज इधर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉट इनवर्स के अंदर साइन x बाय टू प्लस कोस x बाय टू का मोड, राइट ये और ये प्लस है ना, तो प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू का मॉड डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू, अच्छा पहले माइनस वाला है तो इधर माइनस मॉड माइनस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का मॉड, अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो एक्स बिलोंग्स टू क्या है पाई बाय टू से पाई, तो एक्स बाय टू बिलोंग्स टू क्या है पाई बाय फोर से, आया ना ये है ना माइनस, तो यार इसको मैंने आगे इसको चलो ये लो अब ठीक है, आगे पीछे करने से एडिशन के अंदर फर्क नहीं पड़ता, टू प्लस थ्री थ्री प्लस टू ना, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। अब ये 45 डिग्री के बाद की 45 से 90 की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो यहां पे साइन इज ग्रेटर देन कॉस, यहां पे साइन इज ग्रेटर देन कॉस, तो यानी कि ये पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, तो साइन बड़ा है कॉस छोटा है, तो ऑब्वियसली अगर मैंने मोड हटा दिया तो ये चीज क्या होगी पॉजिटिव, और मोड का आंसर तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, अच्छा ये चीज तो वैसे ही पॉजिटिव क्योंकि दोनों पॉजिटिव, अच्छा ये चीज पॉजिटिव तो एज इट इज ओपन कर दिया, अब ये चीज एज इट इज, तो क्या बना मेरा ये कटा, तो टू साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय ये ओपन हुआ तो ये नेगेटिव आ गया, और साइन कटा तो माइनस टू कॉस, ये टू टू कटा तो माइनस टेन एक्स बाय टू, तो मेरा बन गया कोट इनवर्स ऑफ माइनस टेन एक्स बाय, यहां तक कोई डाउट बोल ले, बिल्कुल, लेकिन उससे फिर ये चेंज नहीं करेगा क्योंकि इधर आ जाएगा कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का मोड, स्क्वायर का अंडर रूट था मोड आ जाएगा, लेकिन आंसर तो मोड का पॉजिटिव ही आता है, तो इसको लिखेंगे हम साइन एक्स बाय टू माइनस कोस एक्स बाय टू मोड ओपन करके, क्यों क्योंकि साइन बड़ा कोस छोटा, लिखेंगे उसको वही चीज, वो ये ध्रुव ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी वेरी कर सकता है, डिपेंड कर सकता है, जरूरी नहीं वो वाला यही क्वेश्चन था है ना, थोड़ा डिफरेंट भी आ सकता है।
क्या करोगे, इसको कोट इनवर्स को पाई बाय टू माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स, ठीक है, और ये नेगेटिव टेन इनवर्स के एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब एक्स बाय टू कहां से कहां तक लाइक कर रहा है, पाई बाय फोर से पाई बाय टू, इसके बीच में तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स टेन एक्स होता है, तो एज इट इज ओपन हो जाएगा एक्स बाय टू आ जाएगा। और बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, पाई बाय टू माइनस, ये था। अब ये कॉट इनवर्स के अंदर जो मर्जी हो उसका रूल क्या होता है, पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स, आइडेंटिटी है ना ये, तो क्यों ब्रैकेट में क्यों आएगा, कॉट इनवर्स के अंदर ये इनपुट जा रहा है, मल्टीप्लाई थोड़ा ना हो रहा है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, ठीक है ना। क्या कर दिया पहली बात, तो कोट कैसे अंदर टैन है, तू बात नहीं समझ रहा है, तूने क्या लिखा कोट इनवर्स ऑफ माइनस कोट एक्स बाय टू, मेरा आ रहा है कोट इनवर्स ऑफ माइनस टेन एक्स बाय टू, तो तेरा अंदर कोट एक्स बाय टू आ रहा है, मेरा टेन एक्स बाय टू आ रहा है, ऑब्वियसली उल्टा आ रहा है, बात समझ, कोई ना कहीं तो गड़बड़ की है तूने, तो सही नहीं है। और बोलो टेंथ, टेंथ का आंसर गलत है, चलो चेक कर लेते हैं, बॉक्स कोट इनवर्स ऑफ एक्स जो है उसको टी ले लिया, हा? अच्छा ओके, तो बॉक्स नहीं है, बॉक्स लेके गए थे, बॉक्स नहीं, तो ये क्या आ गया टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर है ना, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि होल स्क्वायर लेस देन जीरो तो होगा नहीं, इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी कि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, दैट इज ओनली केस पॉसिबल, तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। और बोलो तो फिर इसका आंसर देखते हैं कि इक्वल टू थ्री कब हो रहा है, बस बात खत्म, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या होना चाहिए था, मेरे को वैसे बॉक्स लग रहा है, लिखा नहीं है, अगर ये होता, अज्यूम करो ये होता, तो कॉट इनवर्स ऑफ बॉक्स एक्स की वैल्यू थ्री, तो बेसिकली बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू वो कहां से कहां तक होनी चाहिए, थ्री टू फोर, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू थ्री टू फोर। अब देखो जरा, लेट्स सी इसका देखते हैं मैच कर रहा है क्या, पाई पाई बाय टू, ये आ गया थ्री और थ्री टू फोर, तो इसके बीच बीच में ग्राफ होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, अब ये कब होता है, कॉट इनवर्स एक्स थ्री कब होता है, कॉट थ्री पे, अब ये बनना चाहिए, मतलब ये सारा का सारा इनपुट यानी कि माइनस इनफिनिटी से कॉट थ्री, ये आंसर है, तो एक्चुअली में वो बॉक्स था, लिखा नहीं है वो बॉक्स था, लिखना चाहिए था वैसे। और बोलो जल्दी यार, इलेवेंथ, हाफ साइन इनवर्स थ्री साइन टू थीटा बाय फाइव प्लस फोर कॉस टू थीटा दैट इज इक्वल टू पाई बाय फोर, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, तो हाफ को उधर लेके गया, हाफ था ना, हाफ तो कट हो गया, पाई बाय टू आ गया, साइन इनवर्स उधर गया, तो साइन 90 डिग्रीज वन, अब यहां से मेरे को क्या निकालना है, टेन थीटा, क्या करोगे, हाँ एक सबसे सिंपल रूल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं, अरे दोनों का टेन थीटा की फॉर्म में होता है ना फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला टेन थीटा का डायरेक्टली, तो सब कुछ टेन थीटा में आ जाएगा, उसको सॉल्व करो, टेन थीटा निकालो, तो क्या आ जाएगा इधर, थ्री इंटू टू टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ओवर फाइव प्लस फोर वन माइनस टेन स्क्वायर बाय वन प्लस टेन स्क्वायर, एलसीएम लेके फाइव के साथ इधर आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर, और ये वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर कटा, तो सिक्स टेन थीटा डिवाइडेड बाय फाइव प्लस फोर नाइन, फाइव टाइम स्क्वायर माइनस फोर टाइम स्क्वायर, तो प्लस टेन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन, तो नाइन प्लस टेन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिक्स टेन, तो इधर ले आओ, तो टेन स्क्वायर माइनस सिक्स टेन प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, तो टेन माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो टेन थीटा की वैल्यू थ्री। और बोलो
क्या लगा सकते हो इसके अंदर? रीजनिंग, रीजनिंग तो हर क्वेश्चन में लगानी है, लॉजिक तो हर क्वेश्चन में लगाना है, समझा नहीं मैं? अरे नहीं बाबा, तेरी रीजनिंग का मतलब क्या है, मुझे समझा नहीं। अच्छा मैंने टॉक दिया बीच में, ओ बोलो। पहली बात तो ये समझ रहा है कि यस ये इसके बराबर होगा, ये समझ रहा है? हाँ पहले मेरे को वही समझाना है, पहले मेरे को वही समझाना है। अब एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड। अगर मैं इस पे फॉर्मूला लगाऊंगा राइट, माइनस के याद करो दो फॉर्मूला, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, एक आगे प्लस आता है और एक के आगे माइनस आता है राइट। क्या आएगा देखो, प्लस वाला कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय टू इंटू एक्स, माइनस स्केयर रूट ऑफ, माइनस है तो प्लस, स्केयर रूट ऑफ इसका वन माइनस एक्स स्केयर बाय फोर और इसका अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर। एंड सिमिलरली एक आता है माइनस वाला, ये सारा का सारा एज इट इज आएगा। अब ये प्लस वाला कब आता है, जब जब ये वाली चीज बड़ी होगी, ये वाली चीज छोटी होगी, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा करूंगा तो ये जाके पॉजिटिव आएगा, और ये बड़े होने का मतलब इसका इनपुट छोटा होना चाहिए। तो यानी कि ये तब आएगा जब x by 2 should be less than x, और ये तब आएगा when x by 2 is greater than x, आया ना राइट? मेरे को ये चीज पता है, मैं बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं ना। इसका आंसर मेरे को पॉजिटिव वाला दे रखा है राइट, इसका मतलब ये होगा, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। तो योर x by 2 should be less than x, क्या आ गया? इसको इधर लेके जाओ, तो x by 2 should be greater than, तो x should be greater than 0, हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट पक्का? अच्छा इक्वल टू 0 के केस में चलेगा क्या? अगर 0 हो गया इक्वल टू, तो देखो पुट करके देख लो, ये 0 ये 0, तो cos inverse 0 क्या होता है, pi by 2 cos inverse 0 pi by 2, तो ये क्या हो जाएगा 0, pi by 2 minus pi by 2 0। इधर अगर x 0 हो गया तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो ये जीरो ये वन इंटू वन वन, तो कॉस इनवर्स वन इज जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो। तो वन के केस में भी चलेगा, मतलब इक्वालिटी के केस में भी चलेगा, मतलब अगर एक्स जो है हमारा जीरो हो जाए तो ये भी चलेगा, कहने का मतलब दोनों अगर बराबर हो जाए तब भी चलेगा, ये समझे राइट? तो कॉस एक्स की वैल्यू आगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऊपर से एक्स जो है वो इसके अंदर इनपुट जाने वाला, तो माइनस वन टू वन के बीच में होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो है बट वन तक ही रुकेगा, तो यानी कि जीरो टू वन आ जाएगा। तू भी आई थिंक यही बोल रहा था करने के लिए, मैं यहां तक सबको समझाने के लिए यहां तक मेरे को फिर रूल के अकॉर्डिंग भी चलना सही है बिल्कुल सही है, यही करना था इन तक। चले आगे, चलो अब आ जाओ आगे। फिलहाल नोटबुक बंद कर दो, रिलैक्स हो जाओ और बस सुनो, और सिर्फ सुनो। पहले इसका पूरा फंडा समझ लो, फिर जो लिखना होगा वो देख लेंगे, ठीक है? पहले इसका पूरा फंडा समझ लो क्या है, ठीक है? जिन्होंने कर रखा है डिवीजन हो जाएगी, जिन्होंने नहीं कर रखा उनके लिए समझो क्या चीज है ना। ध्यान से, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है? एंड लिमिट है क्या चीज, ठीक है? तो लिमिट वर्ड का बेसिक जो मीनिंग होता है राइट, दैट इज अप्रोच करना, हद तक पहुंचना। लिमिट का मतलब होता है हद, तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होगा कि उस चीज की हद वाली वैल्यू क्या है। जैसे एग्जांपल देता हूं, ठीक है? बचपन में हमारे टाइम पे वो वीडियो गेम होती थी, है ना, वो मारियो सुपर मारियो 9999999, ठीक है? तो स्कूल से आना 2:30 बजे, खेलने लग जाना, शाम कब होनी पता नहीं चलना, जो अब तुम्हारा मोबाइल पे आला है काइंड ऑफ दैट राइट। शाम को पापा ऑफिस से आए, पीछे से मारा, पता नहीं चल रहा किस हद तक खेलना, किस लिमिट में करना है काम राइट। तो लिमिट,
गेम खेलने में कि क्या लिमिट है, किस हद तक करना है, राइट? उस हद को समझने की कोशिश करो, ये वही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है? यहां पे जो हम लिमिट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, जो भी चीज की काम करने की कोशिश करेंगे वो क्या चीज है, वो एक फंक्शन की, पहले अंदर तो एक फंक्शन दिया होगा हमें, तो फंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंसी, एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंसी, y की x के ऊपर डिपेंडेंसी, y का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x का मतलब सॉरी y का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि वो x पे डिपेंडेंट है, और x क्या होता है, इनपुट, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनपुट को हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, y को, दैट इज आउटपुट, उसको डिपेंडेंट बोला जाता है क्योंकि जो इनपुट देंगे उसके ऊपर आउटपुट डिपेंड करेगा, आउटपुट तो इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा ना भैया, राइट? तो इनपुट तो कुछ भी दे सकते हो डोमेन में से, तो वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि जो इनपुट देंगे उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है, राइट? तो फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन, एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंसी, फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है। अब लिमिट यहां पे निकालने का मतलब क्या है कि भैया अगर एक्स की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच, टू को अप्रोच कर रही है, तो भैया वाई की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, क्योंकि अगर एक्स, मान लो एक्स टू आ रहा है, वाई फाइव आ रहा है, तो एग्जैक्टली टू पे तो फाइव आ गया, बट टू को जब वो अप्रोच कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या जा रही है, तो बताओ, तो इनपुट को अप्रोच कराया जाएगा, इनपुट को अप्रोच कराने के बाद हम ये देखेंगे कि आउटपुट किस चीज को अप्रोच कर, आउटपुट की हद क्या आ रही है, इनपुट की अगर हद ये है तो आउटपुट की हद क्या आएगी। इनपुट अगर मैंने मैथ्स में सेल्फ स्टडी में 3 घंटे डाले तो आउटपुट में क्या हद आ रही है, मार्क्स इंप्रूव हुए या नहीं हुए, ये चीज, ठीक है? तो ठीक है, पक्का लग नहीं रहा, पक्का देख ले, झूठ बोलना बोल ले, सच बोलना बोल ले, लग नहीं रहा तो ठीक, पक्का नहीं ठीक होगा बता दियो। चलो तो फंडा समझे क्या चीज है लिमिट्स का, हमें बस इनपुट की हद दे रखी होगी, उस इनपुट की हद के अकॉर्डिंगली आउटपुट की हद क्या हो सकती है हमें वो ढूंढना है, ठीक है? जैसे एक और एग्जांपल इस चीज के अंदर प्रैक्टिकल, ये मेरी खुद की हद है, ठीक है, कि अगर मैं सुबह 5:15 बजे उठ रहा हूं, उसके आगे नहीं, उसके पहले पहले, तो मैं इधर टाइम पे पहुंचूंगा क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों को करने का क्यूमुलेटिव टाइम 45 मिनट चला जाता है। अगर उससे थोड़ा सा आगे हो जाऊंगा तो मैं एग्जैक्टली 6 बजे या 6:05 पे पहुंचूंगा, उससे पहले 6:10 मैं 5:10 पे उठूंगा तो इधर मैं 50 तक पहुंच जाऊंगा। तो ये लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए वो प्रैक्टिकली कर करके देखा हुआ मैंने कि हाँ क्या है लिमिट मेरी है? कि मेरे को अगर 55 तक पहुंचना है हद, तो वो लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब तब तक तो उठने ही उठना, वो उठने की, क्योंकि मेरा उठना वो इनपुट होगा, आउटपुट क्या होगा, यहां पे पहुंचना डिपेंडेंसी है ना, यहां पे जो मैं पहुंचूंगा उसकी डिपेंडेंसी का किसके ऊपर है, मेरे उठने के ऊपर, और उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, मेरे सोने के ऊपर, हर चीज रिलेटेड है, हद ढूंढनी है तुम्हें हर चीज की, वो कर करके प्रैक्टिकली कर करके पता चलेगा, क्योंकि तुम सबकी हद अलग अलग है, तुम सबकी हद अलग अलग, तुम सबकी लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग है, और उसी लिमिटिंग वैल्यू को इंक्रीज करना है फिर, तो पहले लिमिटिंग वैल्यू, करंट लिमिटिंग वैल्यू पता करो, फिर उसको औकात को बढ़ा, अपनी लिमिट से बाहर आना है, लिमिट इंक्रीज करनी है, तब लिमिटिंग वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है? अब सबसे सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2x+1, ठीक है? अब लिमिट का मतलब क्या है कि x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो भैया 2x+1 किसको अप्रोच करेगा, ये बता दो, ये क्वेश्चन आया, ये क्या क्वेश्चन, ये f(x) है, y = f(x) है, इस f(x) के अंदर अगर इनपुट 1 को अप्रोच कर रहा है तो इस पूरे f(x) का आउटपुट किसको अप्रोच करेगा वो बता दो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है अभी, लिमिट का फंडा समझ में आ रहा है, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है, ठीक है? प्लीज ध्यान से समझना अभी, फिर आगे। अब यार
नंबर लाइन जो है वहां पे वन, ये गली लेके जाओ, गली पे बीच में एक घर है, तो फिर उस घर पे पहुंचना है अगर, तो दो साइड से पहुंचा जा सकता है, या तो इधर से या तो इधर से। वैसे नंबर लाइन पे अगर अगर एक नंबर को अप्रोच करना है तो हम दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं, या तो बड़ी वाली साइड से आ सकते हैं या तो छोटी वाली साइड से आ सकते हैं। राइट हैंड साइड मतलब बड़ी वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब छोटी वाली साइड। अब बड़ी वाली साइड से आने का मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू 1.1 फिर 1.01 और कम होगी 1.01 और कम होगी 1.001 1.0001 1.00001 एंड फोन जा रही है, तो इसका मतलब ये 1 को अप्रोच कर रही है लेकिन इधर से अप्रोच कर रही है, यानी कि इस चीज को मैं क्या बोलूंगा कि x इज अप्रोचिंग 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। आई होप ये चीज क्लियर हुई। श्योर? ऐसे ही अगर वैल्यू इधर से आ रही है 0.9 फिर 0.99 और पास चला गया, और पास जाना है तो 0.999 0.9999, तो ये वाली वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है 1 को, बट छोटी वाली साइड से, तो x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, इसको ये बोलेंगे। हाँ या ना? श्योर? थोड़ा पीछे हो जाओ, देखने में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा और हो जाओ, कोई बात नहीं, क्या हो गया, ठीक है, बढ़िया, ये समझ में आया। तो इसके अंदर भी एक्चुअली में यही फंडा काम करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे, तो पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि एक्स अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इस पूरी चीज की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है वो बताओ, ठीक है। अच्छा, तो क्या जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से, ये 0.9 0.999 0.9999 0.9999 and so on. तो 2x plus 1 की वैल्यू, सॉरी 2x plus 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 into point x, point x की वैल्यू ये पुट करो, तो 0.9 into 2 1.8 plus 1 अगला 2.98 2.998 2.998 and so on. अब नंबर लाइन पे सोचो ये वाली वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 3 को। अच्छा, एक चीज समझ रहे हो, इनपुट अगर अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट भी अप्रोच कर रहा है। कई फंक्शन होते हैं जो अप्रोचिंग नहीं होते, जिनके एग्जैक्ट हर बार वैल्यू होती है। मान लो ये बॉक्स होता तो इसकी भी वैल्यू क्या आती, 2, इसकी भी वैल्यू क्या आती, 2, तो हर चीज की वैल्यू आती, मतलब वो 2 एग्जैक्ट 2 हो जाता, फिर वो अप्रोच ना करता, हर बार एग्जैक्ट 2 ही है, राइट। इसके अंदर इनपुट अगर अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट भी अप्रोच कर रहा है राइट नाउ, किसको, 3 को। अच्छा, अब इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं लिखूंगा तो मैं 3 लिखूंगा या 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड लिखूंगा, क्योंकि कर तो ये भी अप्रोच रहा है, एग्जैक्ट तो है नहीं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि ये 3 को अप्रोच कर रहा है या 3 लिखूंगा, इसको 3 लिखते हैं, मतलब जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है तो मैं लिखूंगा 3, लेकिन ये मेरे को अंदर दिमाग में खुद पता होना चाहिए ये 3 को अप्रोच कर रहा है, प्लस ये 3 को कहां से, कौन सी साइड से अप्रोच कर रहा है, छोटी वाली साइड से या बड़ी वाली साइड से, तो छोटी वाली साइड से, ये भी पता होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल, एक्स जा रहा है लेट से 2 को, ठीक है, एक्स जा रहा है 2 को, तो 1.9 1.99 1.999 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फंक्शन इज इन दिस केस लेट से 2 माइनस एक्स, राइट, तो क्या आ जाएगा 1.9 2 - 1.9 - 0.1 - 0.001, राइट। अब ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। किसी को कंफ्यूजन हो रही है, नंबर लाइन पे बना के देख लिया करो, ये आ जाएगा -0.1, फिर ये और पास जाएगा -0.01 और पास जाएगा -0.001, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है बट फ्रॉम नेगेटिव साइड। यहां पे ये किसको अप्रोच कर रहा था, 3 को, सॉरी ये सारे प्लस आने ना, बड़े वाले मैंने छोटा वाला करे, हाँ ठीक है। तो अब ये वाली चीज जो है, ये 0, ये क्या आ गया 0.1, ये आ गया 0.01, ये आ गया 0.001 एंड सो ऑन, तो ये वाली 0 को अप्रोच कर रही है बट फ्रॉम पॉजिटिव साइड, हाँ है ना। यहाँ पे छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है लेकिन आउटपुट बड़ी वाली साइड से अप्रोच करने का आ गया, ये चीज क्लियर हो रही है, राइट। आई होप ये चीज फंडा क्लियर हुआ। बट इसको भी लिखेंगे क्या, 0, इसको क्या लिखेंगे, 3। लेकिन ये हमें खुद अपने मन में ये पता होना चाहिए कि ये 3 को अप्रोच कर रहा है लेकिन कौन सी साइड से अप्रोच कर रहा है, उसका रीजन
मान लो इसका बॉक्स एक्चुअली में मान लो इसका ये आ गया निकालने के लिए, अभी मेरे को पता है कि वन फ्रॉम नेगेटिव साइड अगर जा रहा है तो ये वाली वैल्यू जा रही है थ्री, बच्चा क्या करता है इसको थ्री बोलता है, थ्री का बॉक्स थ्री, डन गलत। हमें ये देखना कि ये वाली वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, कौन सी साइड से अप्रोच कर रही है, बेसिकली थ्री को कर रहा है, लेकिन थ्री को बड़ी वाली साइड से कर रहा है, छोटी वाली साइड से कर रहा है, तो थ्री को क्या कर रहा था ये छोटी वाली साइड से, तो थ्री से हल्का सा छोटा नंबर है, तो हल्के से थ्री से हल्का छोटे नंबर का बॉक्स क्या होता है, तो इसका आंसर भैया इस बार टू आएगा थ्री ना आएगा, ये समझे, ये फंडा क्लियर हुआ या नहीं, पक्का वैल्यू हल्का सा पुट करके देख लो, इतना तो थोड़ा बिहेवियर पता होना, ये बिहेवियर ही तो है और क्या है, एग्जैक्ट थ्री के जस्ट पहले वाला बिहेवियर पता करने की कोशिश कर रहे हैं आउटपुट पे, राइट या फिर अच्छा चलो अगर यही बिहेवियर ग्राफिकली देखना है तो भैया हमें वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाना आता है स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखना जरा, ठीक है, यही बिहेवियर ग्राफ से कैसे पता करना, ठीक है, अच्छा एक्स को जीरो पुट किया तो वाई आ गया वन, ठीक हो पक्का, एक्स को वन पुट किया तो आ गया थ्री, अब देखो ये एग्जैक्ट वन पे वैल्यू क्या है थ्री, अब मैं वन को इधर से अप्रोच करो छोटी वाली साइड से कर रहा था तो ये वैल्यू जा रही है थ्री को, लेकिन नीचे से देखो हाइट ये है, हाइट वर्टिकल नंबर लाइन लेके जाओ तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाने का मतलब 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.99 2.999 2.999 फिर 3 की तरफ जा रहा है, यानी कि छोटी वाली साइड से जा रहा है, ग्राफ से भी मतलब अब ये समझ लो ग्राफिकली अगर वो नीचे से जा रहा है तो छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, अगर ऊपर से आ रहा है तो बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, अब जैसे cos x है 5/2 को अप्रोच कर रहा, वो इधर से अप्रोच करे या इधर से अप्रोच करे, ये 1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन नीचे से, दोनों साइड से वो नीचे से अप्रोच कर रहा है 1 को 0.99 फिर जाके गई, और ये चीज बाय द वे ये अप्रोच कर रही है, क्या ये एग्जैक्टली कभी 3 हो सकती है, ना ये हमेशा अप्रोचिंग वैल्यू होती है, ये कभी 3 नहीं हो सकती, जितना ये 2 के 1 सॉरी अपने जितना ये किसके जा रहा पास 1 के, जितना ये 1 के पास जाता जाएगा ये उतना ही 3 के पास जाता जाएगा, लेकिन ये क्योंकि अब लिमिट का मतलब क्या होता है अप्रोच करना, ये कभी 1 हो नहीं सकता तो ये कभी 3 हो नहीं सकता, जस्ट उसके पिछले वाला पॉइंट की बात हो रही है, वहां तक जा सकता है इसके आगे नहीं जा सकता लेकिन मैच में एक नंबर के पिछले वाला पॉइंट को डिफाइन नहीं करते, ये पता ही नहीं पता नंबर 2 के जस्ट पिछले वाला नंबर क्या है 1. कहां तक, इंफिनिटी तो डिफाइंड ही नहीं है, वैल्यू उसकी डिफाइंड ही नहीं है, तो एक नंबर के जस्ट पिछले वाला नंबर हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, लेकिन वहां पे पहुंच नहीं सकते, लेकिन वहां पे अप्रोच कर सकते, इसलिए लिमिट आया, कंसेप्ट लिमिट आया इसलिए, राइट, जहां पे पहुंच नहीं सकते वहां पे अप्रोच करो कि अगर होगा तो क्या होगा, समझे, चले ग्राफिकली देख सकते हो लिमिट, अच्छा अब यहीं पर देखो जरा, अब अगर मैं पॉजिटिव साइड से लिमिट को देखता इसकी वन फ्रॉम पॉजिटिव साइड है ना, अब बॉक्स हटा दो, अब ये क्वेश्चन दोबारा, तो 1.1 1.01 1.001 1.0001 एंड सो ऑन, तो 1.1 इधर डाला 1.1 × 2 2.2 + 1 3.2 3.02 3.002 3.0002 तो किसको अप्रोच करा ये 3 को बड़ी वाली साइड से, लेकिन लिखेंगे क्या 3, आई होप ये चीज क्लियर है, अच्छा अब एग्जैक्टली 1 पुट करो क्या आ गया 3, तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोचिंग वैल्यू क्या है सेम, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है सेम, आई होप ये चीज क्लियर हुआ, वो ग्राफिकली भी देख के पता चलना चाहिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं तो ये आ गया 3 को जा रहा है, इधर से आ रहा हूं तो ये 3 को जा रहा है, और एग्जैक्ट वैल्यू भी वही है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आ गए, ये क्लियर हुआ फंडा, नेक्स्ट क्या क्या अज्यूम इट टू बी अ पैराबोला, नहीं पैराबोली का किस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जांपल, ओके अच्छा, तो अब ये जो क्वेश्चन था हमारा ये एक ऐसा क्वेश्चन था
जिसके अंदर लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है सेम। अभी वो रुक जाओ, अभी मत सोचो, थोड़ा कंफ्यूज कर जाओगे। अभी हम लिमिट पे हैं, लिमिट का अगला स्टेप कंटिन्यूटी है, अगले स्टेप पे अभी मत जाओ, अभी लिमिट पे रुको सीरियसली। ठीक है, अब अगला अब इसके पैरेलली हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3x² - 9 डिवाइडेड बाय x - 3। ठीक है, अब x अगर 3 की तरफ जा रहा है तो पहले छोटी वाली साइड से लेके चलते हैं, राइट, कैलकुलेटर। एक्स को अगर 3 की तरफ जाना है छोटी वाली साइड से तो क्या जाएगा, 2.9, 2.99, 2.999 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैंने निकाला न्यूमरेटर क्योंकि इसका अलग चीज आ रही है, दैट इज x² - 9। फिर निकाला डिनोमिनेटर, दैट इज x - 3। फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो अगर 2.9 है तो पुट किया तो 2.9 का स्क्वायर माइनस 9, बेटा ऐसे 2.9 × 2.9 - 9, नहीं x की जगह 2.9 पुट करना है ना, हाँ तो क्या है, भाई कैलकुलेटर चेंज कर लो, किसने बोला था, गलत निकाला, नहीं वैसे मत कर, गलत आ रहा तेरा, वैसे कभी मत कर, लिख के कर ले, ओनली कैलकुलेशन गलत हो रही है। ठीक है, 2.99 का स्क्वायर माइनस 9, 0 - 0.0599, पक्का कैलकुलेटर सही है, अगला -0.005, आ रहा है, नहीं डॉट 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 लगा दी, समझो, चले अब अगला इधर पुट करो तो 2.9 - 3 - 0.1 - 0.01 - 0.001 एंड सो ऑन, हाँ है ना, राइट, दोनों को डिवाइड करो, दिस डिवाइडेड बाय दिस 5.9, दिस डिवाइडेड बाय दिस 5.99 एंड सो ऑन। अब ध्यान से एक चीज को समझो, अगर x 3 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर भैया किसको, सॉरी न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है, सोचो, ये क्लियर होना चाहिए, नहीं क्लियर हो रहा बोल दो, जीरो को ये पता चला छोटी वाली साइड से, नेगेटिव वाली साइड से जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को छोटी वाली साइड से, तो न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, लेकिन दोनों का डिविजन किसको अप्रोच कर रहा है, सिक्स को, आ जाना, न्यूमरेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन दोनों का डिवीजन एग्जैक्ट वैल्यू, पूरे के पूरे फंक्शन के एग्जैक्ट वैल्यू, दोनों का डिवीजन मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, वो किसको अप्रोच कर रहा है, सिक्स, ये फंडा क्लियर हुआ तुम्हारे सामने, इसीलिए वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है। अगला, अब अगर यही चीज x 3 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि 3.1 3.01 3.001 3.0001 एंड सो ऑन, तो न्यूमरेटर अगेन x² - 9 एंड डिनोमिनेटर x - 3 एंड दोनों का डिवीजन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो x² - 9 किसको अप्रोच करेगा, अरे वैल्यू निकालो, x को 3.1 पुट करो, 0.61, अगला 0.01, अगला 0.006001 0.0006 0001, ये कैसी है पैटर्न देखे, बाकी यही है, चलो डिनोमिनेटर किसको अप्रोच करेगा, 3.1 - 3.1 0.01 0.0001 एंड सो ऑन, अब इन दोनों का डिवीजन करो,
6.1, 6.01, 6.001, 6.0001 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, छोड़ दो एक्स अगर थ्री को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को, पॉजिटिव साइड से, बट जीरो। डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है? दोनों का डिवीजन किसको अप्रोच कर रहा है? सिक्स। तो इसका मतलब यह है, छोटी वाली साइड से जाओ चाहे बड़ी वाली साइड से जाओ, न्यूमरेटर सॉरी अपना एक्स अगर थ्री को अप्रोच कर रहा है छोटी वाली साइड से बड़ी वाली साइड से, अगेन फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर जीरो को जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो को जाएगा, बट दोनों का डिवीजन सिक्स को जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? यानी कि इस केस में लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई? सिक्स। अप्रोचिंग वैल्यू सिक्स आ गई। यस, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई? सिक्स। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? यस सर। बट एग्जैक्ट वैल्यू निकालो जरा, जीरो बाय जीरो। तो ये वो केस आया जिसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, राइट? एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअली में वो आ रही थी, उसकी अप्रोचिंग वैल्यू आ रही थी न्यूमरेटर की अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। क्या ये जीरो बाय जीरो? एक्चुअली जीरो बाय जीरो, जीरो अप्रोचिंग बाय जीरो अप्रोचिंग, लेकिन दोनों के डिवीजन करके एग्जैक्टली क्या आ रही है वैल्यू? सिक्स। हाँ जाना, ये चीज क्लियर हुआ? तो ये वो केस आ गया जिसके अंदर लिमिटिंग वैल्यू, राइट, लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ जाना, राइट। अब यार अगर मेरे को क्वेश्चन को स्टार्टिंग में देख के पता चल जाए, कोई रूल हो जिससे मेरे को ये पता चल जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू सेम आनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्यों लिमिटिंग वैल्यू निकालूं? मैं तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू भी वही होगी। आया ना? अगर मेरे को पता चल जाए लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू बराबर है, तो मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालू क्यों? मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा, लिमिटिंग वैल्यू भी वही होगी, बात खत्म। आया ना? और अगर क्वेश्चन में पता चल जाए लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू बराबर ही नहीं है, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू का करूंगा क्या? मैं कुछ भी टाइम वेस्ट क्यों करूं? मैं अप्रोच करने की कोशिश करूंगा, जो भी फंडा होगा हमारा, मेथड होगा अप्रोच करने का, बस मैं अप्रोच करने की कोशिश करूंगा। यहां तक क्लियर है? राइट राइट। अच्छा, अब देखो, जीरो अप्रोचिंग बाय जीरो अप्रोचिंग, इस केस को समझो, ठीक है? जीरो अप्रोचिंग बाय जीरो अप्रोचिंग। देखो, मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन लिया जी ऑफ एक्स, फिर इन दोनों का डिवीजन एफ ऑफ एक्स बाय 10^-1, 10^-2, 10^-3, 10^-4 एंड सो ऑन। किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 एंड सो ऑन। तो किसको अप्रोच कर रहा है? 10^-1, 10^-3, 10^-5, 10^-7 एंड सो ऑन। किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को, राइट? दोनों जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके। अब दोनों का डिवीजन देखते हैं, क्या आ गया? 10^1, 10^2, और ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो ये किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को। हाँ जाना, तो ये वो केस आया जीरो बाय जीरो का, जिसके अंदर न्यूमरेटर जीरो की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है, बट दोनों का डिवीजन इंफिनिटी जा रहा है। आई होप क्लियर हुआ। सेकंड केस, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ बाय जी, उल्टा कर लो, 10^-1, 10^-3, 10^-5, 10^-7 एंड सो, 10^-1, 10^-2, 10^-3, 10^-4 एंड सो ऑन। तो जीरो को, जीरो को, दोनों का डिवीजन वन। अब इन दोनों, इस केस में दोनों का डिवीजन 10^-1, 10^-2, 10^-3 एंड सो ऑन। अब ये किसको जा रहा है? जीरो को। अब ये वो केस आ गया जीरो बाय जीरो का केस, ये वो केस आ गया, न्यूमरेटर जीरो को जा रहा है, डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, बट दोनों का डिवीजन जीरो को जा रहा है। केस थ्री, 10^-1, 10^-2, 10^-3, 10^-4, 10^-5 एंड सो ऑन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 2 × 10^-1, 2 × 10^-2, 2 × 10^-3 एंड सो ऑन। क्या आएगा डिवीजन करके? 1/2, 1/2, 1/2 सो ऑन। तो न्यूमरेटर जा रहा है जीरो की तरफ, डिनोमिनेटर जा रहा है जीरो की तरफ, दोनों का डिवीजन क्या जा रहा है? हाफ। इसका मतलब ये तो कोई भी रियल नंबर जा सकता है, ये तो एग्जांपल ही ना मैंने। तो मतलब भैया जीरो बाय जीरो एक ऐसा केस है जिसके अंदर वो इंफिनिटी, जीरो या कोई भी रियल नंबर जा सकता है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा जाएगा? जब तक एग्जैक्ट फंक्शन ना दे रखे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, मैं नहीं बता सकता। जहां पे
दे रखे थे तो मैं बता दिया किस वैल्यू की तरफ जाएगा, लेकिन अगर नहीं दे रखे हम नहीं बता सकते, वो कुछ भी जा सकता है। यानी कि अनटिल द फंक्शन आर गिवन वी कैन नॉट डिटरमिन द एग्जैक्ट वैल्यू जिसकी तरफ वो अप्रोच करेगा। हाँ या ना, पक्का ये चीज समझ में आई? हम नहीं बता सकते। अच्छा, इसी के पैरेलली मान लो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एंड यहां पे एफ ऑफ एक्स जो है लेट्स से वो जीरो को अप्रोच कर रहा। अब फंक्शन गिवन है क्या? ना, फंक्शन नहीं गिवन, बट स्टिल हम ये बोल सकते हैं फंक्शन जो मर्जी हो, ये फंक्शन अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो जीरो इंटू टू जीरो प्लस वन वन, तो ये पूरी की पूरी चीज वन को ही अप्रोच करेगी और किसी चीज को अप्रोच नहीं कर सकती, इररिस्पेक्टिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन जो मर्जी हो। इस केस में हम नहीं बोल सकते, इस केस में हम डेफिनेटली बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट केस का मतलब क्या होता है? मतलब चाहे फंक्शन नहीं गिवन तब भी हम उसकी वैल्यू डिटर्मिन कर सकते हैं, और वहां पे कोई भी फंक्शन आ जाए, साइन कोस टेन जितने भी फंक्शन कर रखे हैं यार हमने, कोई भी फंक्शन आ जाए फर्क नहीं पड़ता, स्टिल वी कैन डिटर्मिन द वैल्यू। लेकिन इनडिटर्मिनेंट केस का मतलब क्या है? वी कैन नॉट डिटर्मिन द वैल्यू अंटिल द फंक्शंस आर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शंस आर गिवन। क्यों? क्योंकि जीरो बाय जीरो कुछ भी जा सकता है इनडिटर्मिनेंट केस। और ये केस कौन से होते हैं जिनके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होती है? ये वाले कौन से केस हो गए जिनके अंदर पुट करेंगे तो जीरो बाय जीरो आ जाएगा, वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो इसलिए कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ती है? अप्रोचिंग वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। गुड। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट केस इनडिटर्मिनेंट केस। अब अगर मेरे को पहले से पता चल जाए, क्वेश्चन को देख के पता चल जाए इनडिटर्मिनेंट है या डिटर्मिनेंट है, राइट, तो मेरा काम हो जाएगा। द ओनली, अब किस्मत से वी हैव एग्जैक्टली सेवन इनडिटर्मिनेंट केसेस। मतलब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वैल्यू पुट करूंगा, इसके अंदर वन पुट किया, क्या आ गया? अगर तो ये वन ऑफ द सेवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो ये इनडिटर्मिनेंट केस होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट। मतलब जो वैल्यू पुट करके आए वही आंसर है, क्योंकि इसके लिए डिटर्मिनेंट है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वही अप्रोचिंग वैल्यू होगी, तो एग्जैक्ट वैल्यू जो आई वही आंसर है। अब कौन कौन से इनडिटर्मिनेंट केसेस हैं? जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये चार केसेस आ गए। जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और अगले तीन केसेस हैं हमारे जीरो की पावर जीरो, वन की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर जीरो। देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये देखो अगर जीरो की पावर कुछ है तो ये जीरो, ये किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। मतलब ये जीरो बोल रहा है जीरो की तरफ, चलो। अब एनीथिंग रेस्ट पर जीरो है वो क्या होगा? तो ये जीरो बोल रहा है वन की तरफ, चलो। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट। एग्जैक्टली क्या जाएगा पता ही नहीं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन टू फंक्शन। मतलब ये जीरो नहीं है, ये जीरो अप्रोचिंग है, समझ आ रहा है ना? एफ ऑफ एक्स की बार जी ऑफ एक्स, ये वो चीज चली गई। ठीक है, जैसे साइन एक्स की पार एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये जीरो की तरफ जाएगा, ये तो जीरो की पार जीरो चला गया। अब वन की पार इन्फिनिटी, अब वन को अप्रोच करना, वन को बड़ी वाली साइड से कर सकते हैं, छोटी वाली साइड से कर सकते हैं। अब वन को अगर बड़ी वाली साइड से अप्रोच किया तो क्या आएगा? हल्का सा, वन से हल्का सा बड़ा नंबर लो, उसकी पावर बढ़ाते रहोगे तो क्या जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और वन से हल्का सा छोटा नंबर लो, जीरो टू वन, जीरो टू वन की पावर बढ़ाते रहोगे तो वो जीरो की तरफ जाएगा, राइट। अगेन इनडिटर्मिनेंट केस, पता नहीं है ना ये वन को कौन सी साइड से अप्रोच कर रहा है। अच्छा, अब ये भैया इन्फिनिटी की पावर जो मर्जी कर लो इन्फिनिटी, एनीथिंग रेस्ट पर जीरो करो तो वन, तो ये इन्फिनिटी बोला इन्फिनिटी की तरफ चलो, ये वन जीरो बोला वन की तरफ चलो, इनडिटर्मिनेंट केस। जब तक फंक्शन नहीं गिवन तब तक हम नहीं बता सकते क्या जाएगा वो, ये समझे। अब इस चीज की एक मस्त कहानी बताता हूं, ये लास्ट ईयर बताई हुई है इनको, ये भी आज ज्यादा अच्छे से समझ में आए। कैलकुलेटर निकाल लो,
चलो आगे चलो। ठीक है, अब अगेन, जो जिंदगी में बनना चाहते हो, जो मैथमेटिकली समझाऊंगा कैसे बन सकते हो, रोज उस डायरेक्शन में 1% एक्स्ट्रा एफर्ट करना शुरू कर दो। 100%, 1.01, 101%, मतलब 1% एक्स्ट्रा। अगर एक दिन के लिए एक्स्ट्रा 1% दिया एक्स्ट्रा, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1.01, यानी कि 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। दो दिन के लिए अगर किया तुमने, पहले दिन भी दूसरे दिन भी, तो 2% एक्स्ट्रा मिल जाएगा तुम्हें। 3 दिन के लिए 3%, 4 दिन के लिए 4%, 5 दिन के लिए 5%, 6 दिन के लिए 6%, 10 दिन के लिए किया तो 10% मिल जाएगा। जितना इनपुट दे रहे हो एक्स्ट्रा, उतना आउटपुट मिलता जा रहा है, हाँ या ना? लेकिन ये इतना चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाता माइंड, इसलिए जनरली पहले हफ्ते के अंदर अंदर बच्चा गिव अप कर जाता है। पहले 10 दिन के अंदर अंदर बच्चा गिवअप कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगता है यार, आउटपुट, हम आउटपुट ओरिएंटेड है ना, आउटपुट के अकॉर्डिंगली काम करता है, तो उसको क्या दिखता है, आउटपुट तो आ ही नहीं रहा, तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि जिस चीज से आउटपुट ना आए, करोगे क्या तुम लोग? जिस चीज का आउटपुट का मतलब फायदा, तो जिस चीज का तुम्हें फायदा ना दिखे, एक्चुअली हो रहा होता है, लेकिन वो इतना माइन्यूट हो रहा होता है कि हमारा ह्यूमन माइंड, ग्रॉस ह्यूमन माइंड ऑब्जर्व नहीं कर सकता वो चीज। क्योंकि इतनी छोटी चीज, अगर इतनी बारीक चीज ऑब्जर्व कर सकते तो तुम अपनी सिली मिस्टेक्स ना हटा देते, भगवान ना बन जाते, अब तक नहीं देख सकते, राइट? लेकिन इसी बेवकूफी के कारण हम यहीं पे आके गिव अप कर जाते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को उस रास्ते पे भरोसा है कि हाँ ये करेक्ट है और ये इंप्रूवमेंट होगी, तो 30 दिन के बाद इनपुट क्या जाएगा, एक्स्ट्रा 30%, रोज 1-1%, आउटपुट कितना मिला, 34%। अब इनपुट से ज्यादा आउटपुट मिलना शुरू हो गया। 90 डेज कितना, रोज 1-1% इनपुट दिया तुमने एक्स्ट्रा, 90% इनपुट दिया एक्स्ट्रा, आउटपुट कितना मिला, -1 × 100 कर लो, 146%। इनपुट दिया 90%, एक्स्ट्रा आउटपुट कितना मिला, 146%, तो कितना ज्यादा मिला, -90 कर लो 146 को, 56% एक्स्ट्रा अब मिलना शुरू हो गया 3 महीने के अंदर अंदर। 2 महीने का करना, 2 महीने का करो, करो जरा 1.01 की पार 60, चलो तो 60 दिन इनपुट दिया एक्स्ट्रा, 60%, आउटपुट कितना मिला, 80%, 20%, 21% अभी भी एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो गया 2 महीने में। 1 महीने में 3%, 4% एक्स्ट्रा मिला था, क्योंकि 34% का मतलब क्या, 30% तो हटा दो, वो तो इनपुट दिया था एक्स्ट्रा, 4% और इनपुट से ज्यादा मिला, यहाँ पे 21% इनपुट से ज्यादा मिला, यहाँ पे 56% इनपुट से ज्यादा मिला, और यहाँ पे -1 करो जरा, × 100 करो, 36-78% आउटपुट मिला, उसमें से इनपुट वाला 360 समथिंग भी माइनस कर दो, चलो अप्रोक्सीमेटली 3300 के करीब तो एक्स्ट्रा मिला, तो 3300 एक्स्ट्रा मिलेगा, सोचो एक साल में। तब जाके तुम्हें डिफरेंस दिखाई देगा। कमिटमेंट, डेडिकेटेडली काम करना, इसको बोलते हैं आउटपुट मिलता है। मैच क्लियरली तुम्हारे सामने। इसी के बदले अगर हमने रोज 100% काम किया, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 की बार जो मर्जी कर लो क्या होता है, 1, तो 100% हो गया, 100% जरूर मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कम मिलेगा, लेकिन अगर 1% कम दिया, रोज 1% कम किया, 2% मिलेगा आउटपुट, 98% कम। तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें 1% ज्यादा करना है या 1% कम करना,
आउटपुट क्या चाहिए, कितना परसेंटेज कम चाहिए ज्यादा चाहिए, वो देख लो तुम्हारे हाथ में। अच्छा एक और जी मस्त चीज बताऊं इसकी, ये 1.01 मतलब एक ही बार एक्स का ग्राफ बनाना ये तो, और ए क्या है वन से बड़ा, तो ऑब्वियसली ग्राफ जाएगा ऐसा। तो बच्चे ना स्टार्टिंग ऑफ द फेज में क्या करते हैं, एक दिन मेहनत करेंगे और देखेंगे ये आउटपुट, ये आया ना आउटपुट में फर्क, हल्का सा वाई में जो फर्क आया, यार फर्क ही नहीं आ रहा, आउटपुट तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर वही बच्चा काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, अब आगे जाके उसको एक ही दिन में ये आउटपुट दिखाई देगा, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन अगर वो करता रहेगा तो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जज करते हैं खुद को, यार आउटपुट नहीं मिल रहा यार, कोई फायदा नहीं है मेरे लिए, ये लाइन है ही नहीं। करोगे एक्चुअली में तुम किसी भी फील्ड को सही बना सकते हो विद योर डिसीजंस विद योर चॉइसेस, कोई भी फील्ड गलत या सही नहीं होता, इतनी हमारी औकात होती है हम हर फील्ड के अंदर अपने आप को सही बना सकते हैं। फील्ड सही या गलत नहीं होता, हम सही या गलत होते हैं, हमारे डिसीजन सही या गलत होते हैं, उनको करेक्ट बना सकते हो लेकिन विद कंसिस्टेंसी विद डेडिकेशन, दैट्स इट। और ये है क्या चीज, ये वही चीज समझानी थी कि 1.01 वन से हल्का सा बड़ा नंबर है बाय द वे, उसकी पावर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए 365 किया अभी तक तो 37 पहुंच गया, इसका स्केयर कर लो मतलब 365 इंटू 2 हो जाएगा 37 का स्केयर अप्रोक्सीमेटली 1000, तो थोड़ा सा ऊपर, और स्केयर कर लो 1000 का स्केयर 10 लाख, और करते जाओ तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ऐसे इसका वन से हल्का सा छोटा नंबर है, उसकी पावर बढ़ाते जाओ कितना छोटा हो गया, और वैल्यू और स्केयर कर दो और छोटा हो जाएगा, तो ये जीरो की तरफ जाएगा, ये वही है वन की पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब तुम सोचो कि वन की पावर इन्फिनिटी में तुम्हें राइट हैंड साइड से अप्रोच करना है लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना है, वो तुम्हारी मर्जी है, दैट्स योर पर्सनल डिसीजन। मैं तो बता सकता हूं चॉइस तुम्हारी, ठीक है।